पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति। पी मलिक ऋषि महात्मा बतावे ज्ञान, दीन अबला ने मारा गा ते पाप लगेगा बेअनुमान। छोटी बहन थरी अबला तू इसकी तरफ का कर ले ध्यान। कात की मूर्ति मंगल रूपणिया खड़ी खड़ी रटरी भगवान। मांगे राम सुखदेव मुनि ने भी माला कृष्ण की टेरी। दीन अबला ने मारा गा ते हो जाएगी डूबा दे। ए पापी तू इस बात से डरता है कि इसके गर्भ से मेरे को मारने वाली संतान पैदा होगी तो हम दोनों को कैद में बंद कर ले। इसकी गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी मैं तेरे को दे दूंगा और तू सन मार दी इतना डर लगड़ा रहेगा। कंस का यह बात समझ में आ गई। वासुदेव और देवकी को कैद के अंदर बंद कर लिया। देवकी की गर्भ से जब पहला पुत्र हुआ वासुदेव महाराज उसने लेके और कंस के पास में गया कि लो नवलाइस का केक रुमुंदा आत्मा चाहिए। उल्टा सौंप दिया के ले जाए इसे। नारद जी आए। नारद जी हो जाए पाप का घड़ा नहीं भरेगा। आठ बिंदु बना के एक से लेकर आठ तई ले जा, आठ से लेकर एक तई ले जा। क्या जरूरी है कि आठ में गर्भ है औत न मारेगा केवरा कुड़सा मार दे। फिर बुला के फिर उस बच्चे को मारा। छह पुत्रों का जन्म हुआ। छह के छह कंस ने बड़ी निर्दयता के साथ मार दिए। विष्णु भगवान ने देखा कि अनर्थ अनर्थ हो रहा है। सात में गर्भ में बलराम आते हैं। विष्णु भगवान उसको रोहिणी के गर्भ में भेज देते हैं और कह दिया जाता है कि गर्भपात हो गया। आठ में गर्भ में खुद कृष्ण भगवान आते हैं। वह देव की नौकर लगी भाई घने दिन हो गए जय तू कह दे तो हम दोनों जमुना स्नान करे। और कंस ने आज्ञा दे दी। वासुदेव देव की जमुना स्नान के लिए चले जाते। उधर गोकुल से नंद और यशोदा भी आए हुए थे। ये लुगाई तोड़िए डबगाट लिया। आपस में जब दोनों की बात हुई वह यशोदा कहने लगी भाई आए तेरा भाई तो राजा है तेरी तो मौज होगी। जब इतनी बात कही वो देव की अपने छह पुत्रों को याद करती है आए किड़े की मौज। देवकी के आंखों में पानी आ जाता है और यशोदा के सामने क्या कहती है क्या हे उठ से बेबे सामन केसी लो ए दुखो जाता जकरी चला रहूं सु ए ओ
रखी है रहूं सू जानू कोई डांगर डोरी मुक्ति ते मिली जा एक जिला कड़ी जा फसी लाने ते के जोर ज्ञान लकड़ी जैसे ठाड़ दिखाने। ये भाई अमित भाई सत्य के नाम से 100 रुपए और देते हैं बार बार। धन्यवाद है, धन्यवाद।